इंडिया में टोयोटा कंपनी की कितनी और कौन कौन सी कार हैं, आज हम यही जानेंगे जो कि अवेलेबल हैं शोरूम पर। चलिए शुरू करते हैं। टॉप लिस्ट प्रोवाइडर, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। ग्लेंजा। ग्लेंजा को इंडिया में सबसे पहले लॉन्च करा गया था 2019 में। तब ये बिल्कुल सेम बलिनो की तरह थी, बट टोयोटा का मार्का था। लेकिन टोयोटा ने इस साल इसका फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च करा तो काफी चेंजेस किए हैं बलिनो से। बलिनो और ग्लेंजा दोनों गाड़ियों का इस साल फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च हो चुका है, लेकिन दोनों में थोड़े थोड़े डिफरेंट कर दिए गए हैं। ग्लेंजा अब एक बेहतरीन कार हो गई है, टोयोटा की बेस्ट सेलिंग कार भी बन चुकी है। इसमें 4 ट्रिम्स मिलते हैं, ESG और V। इंजन की बात करें, बलिनो वाला सेम इंजन मिलता है 1.2 लीटर ड्यूल जेट, जो कि 90 PS की पावर, 130 Nm का टॉर्क। गाड़ी में CNG का ऑप्शन भी मिला है, 9 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वॉइस असिस्टेंस, हेड अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और रियर AC वेंट। और कीमत 6,59,000 से लेकर 9,99,000 रुपये तक की एक शोरूम कीमत है और सभी वेरिएंट आ जाते हैं। फिर टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइब्रिडर। अर्बन क्रूजर हाइब्रिडर सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर SUV गाड़ी है इंडिया में। इसे लॉन्च करा गया है 2022 में, इसी साल। हाइब्रिडर इंडिया में मारुति ग्रैंड विटारा का दूसरा वर्जन है। इसमें आपको वही फीचर्स मिलते हैं और वही इंजन, बस बाहर का डिज़ाइन थोड़ा चेंजेस करा गया है, यानी थोड़ा बदल दिया गया है। इंजन की बात करें, 2 इंजनों का ऑप्शन, एक मिड हाइब्रिड में, दूसरा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में। 1.5 लीटर पेट्रोल हाइब्रिड, जो कि 103 PS की पावर, 137 Nm का टॉर्क। दूसरा वाला 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, जो कि 116 PS की पावर, 137 Nm का टॉर्क, और इस वाले का माइलेज भी 27 प्लस है KMPL में। गाड़ी में 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव कन्फिग्रेशन, AWD ओनली विद द MT। और फीचर्स की बात करें, 9 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम यूनिट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी, एम्बिएंट लाइटनिंग, पैडल शिफ्टर। और कीमत 10,48,000 से लेकर 18,99,000 रुपये तक की एक शोरूम कीमत है। फिर टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। ये 7 और 8 सीटर मल्टीपर्पज व्हीकल है MPV में, जिसको कि टोयोटा मैन्युफैक्चर करती है। ये कार इंडोनेशिया और इंडिया में बनती है। ये कार साउथ ईस्ट एशिया, द मिडिल ईस्ट और ऑस्ट्रेलिया में बिकती है। इनोवा क्रिस्टा रीडिजाइन मॉडल टोयोटा इनोवा का। ये कार पहले तो इंडिया में डीजल और पेट्रोल दोनों इंजनों के ऑप्शन में मिलती थी, लेकिन इसका डीजल इंजन बंद कर दिया गया है सिर्फ और सिर्फ। अब ये फिलहाल इंडिया में पेट्रोल इंजन में मिलती है, जिसमें कि 2.7 लीटर पेट्रोल, 166 PS की पावर, 245 Nm का टॉर्क। और फीचर्स की बात करें, 8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, 6 स्पीकर, पावर ड्राइवर सीट, एम्बिएंट लाइटनिंग, क्रूज कंट्रोल। कीमत 18,09,000 से लेकर 23,83,000 रुपये तक की एक शोरूम कीमत है। फिर फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर टोयोटा कंपनी की मिड साइज SUV गाड़ी है। ये कार इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ये कार काफ़ी अच्छी कार है। इसमें सिर्फ 2 ट्रिम्स मिलते हैं, जिसका नाम है स्टैंडर्ड और लेजेंडर। अभी कुछ टाइम पहले इसका एक और ट्रिम लॉन्च कर दिया गया है, जिसका नाम है GRS। ये वाला स्पोर्टियर है थोड़ा, डीजल और पेट्रोल दोनों इंजनों का ऑप्शन, 2.7 लीटर पेट्रोल, जो कि 166 PS की पावर, 245 Nm का टॉर्क। दूसरे वाली पावर ट्रेन है 2.8 लीटर टर्बो डीजल, जो कि 204 PS की पावर, 500 Nm का टॉर्क। फीचर्स की बात करें, इंफोटेनमेंट सिस्टम, 9 इंच यूनिट फॉर द लेजेंडर और 8 इंच यूनिट फॉर द रेगुलर फॉर्च्यूनर विद एप्पल कारप्ले और कनेक्टेड कार फीचर्स। एक शोरूम कीमत 32,59,000 से 50,49,000 रुपये तक की एक शोरूम कीमत है गाड़ी की।
फिर है टोयोटा हिलक्स। टोयोटा हिलक्स पिकअप ट्रक है जिसको डेवलप और मैन्युफैक्चर किया गया है टोयोटा की ओर से। फिलहाल इसका इंडिया में 8th जनरेशन वर्जन लॉन्च हुआ है। हिलक्स जाना जाता है अपनी ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी की वजह से, काफ़ी पॉपुलर है पिकअप ट्रक सेगमेंट में और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इसका कमर्शियल इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। इसमें डीजल इंजन मिलता है, दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन ऑटोमेटिक और मैनुअल का। 2.8 लीटर टर्बो डीजल जो कि 204 PS की पावर, 500 Nm का टॉर्क। फीचर्स की बात करें, 8-inch टच स्क्रीन सिस्टम, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, क्रूज कंट्रोल, 7 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। कीमत 33,99,000 से लेकर 36,80,000। टोयोटा कैमरी। कैमरी मिड साइज कार है। ये कार काफ़ी ज़्यादा टाइम से है और काफ़ी पॉपुलर चॉइस है उन लोगों के लिए जिनको इफिशेंट परफॉर्मेंस और कंफर्टेबल राइड और स्पेशियस इंटीरियर चाहिए। ये कार वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार है। इसमें पेट्रोल इंजन 2.5 लीटर पेट्रोल इलेक्ट्रिक मोटर के साथ 218 PS की पावर। फीचर्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं, 9-inch इंफोटेनमेंट सिस्टम, 8-way एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 3-zone क्लाइमेट कंट्रोल, हेड अप डिस्प्ले, वायरलेस फोन चार्जिंग और कीमत 45,25,000 की एक शोरूम कीमत है। फिर है टोयोटा वेलफायर। ये टोयोटा कंपनी की सबसे महंगी गाड़ी है इंडिया में और लग्जरी मिनीवैन है जिसको पहले जापान में लॉन्च करा गया था 2009 में। ये कार सबसे ज़्यादा लग्जरी वाली गाड़ी है। इंटीरियर और एक्सटीरियर काफ़ी बेहतरीन है। पेट्रोल इंजन मिलता है 2.5 लीटर हाइब्रिड के साथ, 180 PS की पावर, 235 Nm का टॉर्क और फीचर्स भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। इसमें आपको वेंटिलेटेड मेमोरी सीट्स, ऑटोमोन फुल डिक्लाइन फंक्शन, ट्विन सनरूफ, सनशेड्स, 3-zone क्लाइमेट कंट्रोल, 17-speaker JBL साउंड सिस्टम के साथ एम्बिएंट लाइटिंग और कीमत 94,45,000 की एक शोरूम कीमत है। तो मैंने आपको टोयोटा कंपनी की सभी गाड़ियाँ बताई हैं जो कि इंडिया में मौजूद हैं।